नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियोस फॉर यू। मैं आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि 5G किस तरीके का इंडिया में लॉन्च हो रहा है और किस तरीके किस टाइप्स के यहाँ पे आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों इतना मेरा गारंटी है कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया ना, तो आपको ना आपका करंट अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना वो काफ़ी ओल्ड और आपका करंट नेटवर्क है ना आपको स्लो लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहना बस। और मेन चीज़ बता दूँ दोस्तों, 5G इज़ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। दोस्तों वायरलेस टेक्नोलॉजी का फिफ्थ जनरेशन का ये 5G टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। एंड देन इससे मोबाइल टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि ये मोबाइल टेक्नोलॉजी से ही सबसे ज़्यादा 5G यूजर्स यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों 2021 को काफ़ी बड़ा साल माना जा रहा है, और खास करके इंडियन लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम सब के लिए, इंडियंस के लिए काफ़ी अलग है, बिकॉज कैसे 5G यहाँ पे लॉन्च होगा और किस तरीके का होगा, कब होगा और इसकी नेटवर्क स्पीड क्या रहेगी, तो वो सब चीज़ें दोस्तों मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिए और आ जाते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं 4G से 5G कितना अलग है, पहले तो वो जान लें कि 5G 4G से कितना बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों थियोटोरिकली बात करें तो यहाँ पे ना 5G में 20 Gbps का स्पीड मिलने वाला है। दोस्तों 20 Gbps, आप सोचो कितना फास्ट होगा। बट देखो दोस्तों कॉमर्शियली हम बात करें, क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स कॉमर्शियली रहते हैं, तो कॉमर्शियली यहाँ पे आपको 1 Gbps का स्पीड मिल रहा है, जो 4G से 10 गुना ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अगर 1 GB भी हमें मिल रहा है ना 5G में, फिर भी आपको 10 गुना 4G से ज़्यादा स्पीड मिल सकती है। तो दोस्तों और एक बात कर दूं कि यहाँ पे पिन की बात करते हैं, तो 4G में आपको 50 ms तक की पिन का सीमित था, जो 5G में कम हो के यहाँ पे 1 ms की पिन तक सीमित हो गया है। बट उतनी आशा हम नहीं रखते हैं कि 1 ms का मिले, हम एटलीस्ट 10 ms पिन का आशा रख सकते हैं 5G में, कि उतना हमें पिन मिल जाए। दोस्तों बात करते हैं बेनिफिट ऑफ 5G। जी हाँ दोस्तों, 5G के क्या बेनिफिट्स है। तो दोस्तों बेनिफिट की बात करें तो जैसे हमने बता दिया पहले ही कि यहाँ पे आपको एक फास्ट डेटा नेटवर्क प्रोवाइड होने वाला है, हायर बैंडविड्थ मिलने वाली है और लो लेटेंसी भी मिलने वाला है दोस्तों। तो इन सब तीनों चीज़ों की मदद से अभी जैसे टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ रही है, तो जैसे सेल्फ ड्राइव व्हीकल आ रहे हैं, जैसे कार्स आ रही है ऑटोमेटिकली इंटरनेट से आप चला सकते हो, पार्क कर सकते हो, तो दोस्तों इस टाइम पे ये सब चीज़ें वहाँ पे काफ़ी काम आने वाली है। तो एक दोस्तों बात होगी कि सेल्फ ड्राइव व्हीकल की बात हो गई, ARVR गेमिंग की हो गई, ऑनलाइन गेमिंग है, स्मार्ट सिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं काफ़ी सारे, मतलब स्टेट्स में काफ़ी सारे कंट्रीज़ में स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरनेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो अगर यहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ मिल रही है कि फास्ट नेटवर्क मिल रहा है, लो लेटेंसी मिल रहा है और हायर बैंडविड्थ मिल रहा है, तो दोस्तों कनेक्टिविटी आप सोच सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस कितना हाई लेवल का हमें मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप मेरे ये चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया, दोस्तों सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूले। दोस्तों यहाँ पे है ना, हम 5G स्पेक्ट्रम को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे पहला आता है मिलीमीटर वेव, दूसरा आता है एक मिड बैंड और तीसरा आता है लो बैंड। तो दोस्तों तीनों में से सबसे पहले की बात करें तो जो सबसे पहला फ्यूचर्स है, सबसे पहला जो मतलब स्पेक्ट्रम है, जो है मिलीमीटर वेव, जो काफ़ी हायर स्ट्रॉन्गर नेटवर्क कनेक्टिविटी देता है, बट वो एक लिमिटेशंस के साथ है कि घर की दीवार के अंदर उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही में बात करें लो बैंड की, तो लो बैंड और 4G नेटवर्क में कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा दोस्तों। तो यानी 5G यूज़ करो या 4G यूज़ करो, आपको लो बैंड में 100 mbps का स्पीड ही मिलने वाला है दोस्तों। सो बचा यहाँ पे मिड बैंड। मिड बैंड यानी कि ज़्यादातर मोबाइल कंपनियाँ भी अभी मिड बैंड पे ही वर्क कर रही है, मिड बैंड वाले ही स्मार्टफोन 5G को लॉन्च कर रही है, क्योंकि वो घर के अंदर और घर के बाहर एक अच्छा और एकदम फास्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सो दोस्तों नेटवर्क प्रोवाइडर की बात करें तो जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया भी आ गया, वो कंपनियां जो देश में 5G के लिए टेलीकॉम गियर जिसे हम बोलते हैं, वो है नोकिया और अपना इरेक्शंस। तो नोकिया और इरेक्शंस मैन्युफैक्चर के साथ वो काम कर रही है। हाल ही में मुकेश भाई अंबानी जियो के चेयरमैन ने स्वदेशी हार्डवेयर और नेटवर्क से यूज होने वाले निर्माण का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वो स्वदेशी हार्डवेयर से ही उनका 5G नेटवर्क का निर्माण करेंगे। और दोस्तों साथ ही में रिसेंटली एयरटेल ने भी हैदराबाद में सक्सेसफुली 5G का टेस्टिंग कम्प्लीटली कर लिया है और वो सक्सेस भी गया है। और दोस्तों भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की बात करूँ तो उन्होंने दोनों ने लास्ट ईयर काफ़ी सारा मेहनत करने के बाद उन्होंने पूरा लास्ट ईयर टेस्टिंग और खुद का 5G और उसका नेटवर्क को अपग्रेड करने में बिता दिया, और अभी उनका ये कहना है कि उनका ऑलमोस्ट 5G नेटवर्क्स रेडी है। और दोस्तों दूसरे कंट्री की बात करें तो जैसे UK है, चीन है और साउथ कोरिया है, वहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक के लिए 5G सर्विस स्टार्ट हो गई है, और वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री है साउथ कोरिया जहाँ पे सबसे पहले 5G लॉन्च हुआ था। और दोस्तों बात करें कि अपनी सरकार को भी यही लगता है कि आने वाले 6 महीने बाद जब स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है, तो स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद 2022 में
ऑलमोस्ट अपना 5G नेटवर्क भी सेवा में आ जाएगा दोस्तों। तो मेन चीज़ आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे मतलब दूसरे देशों से काफ़ी महंगे 5G नेटवर्क्स के यूनिट्स आते हैं, तो मे बी अपने भारत में 5G स्टार्ट होने में कुछ टाइम और लग सकता है, मे बी एक आध साल निकल जाए। और दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि आपको भी अपना फ़ोन अपग्रेड करना है 4G डिवाइस से 5G में जाना है, तो काफ़ी सारी ब्रांड्स ने अभी 5G के फ़ोन्स लॉन्च कर दिए और अभी इन फ्यूचर्स भी आपको 10,000 में भी 5G फ़ोन्स मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये 5G की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और दोस्तों तब तक के लिए।